सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? स्केच करो, ये ऐसे मत करो, स्केच मन से ही करते हो। हाँ, ये इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील, ये लाइट पे चलता है। अच्छा अच्छा, आपको सीखना नहीं है? हाँ, सीखना तो हेलो एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके गई थी एक जगह जिसका नाम एस्केप हो रहा है। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके जा रही हूँ। हम लोग एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं पॉटरी वर्कशॉप के लिए। वहाँ पे पूरा विलेज है जो पॉटरी के साथ रिलेटेड है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके जा रही हूँ। से हाय। ये लोग बहुत एक्साइटेड है, इनको बहुत अच्छा लगता है क्राफ्ट करना, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को लेके जा रही हूँ आज पॉटरी वर्कशॉप के लिए। हमें प्रॉपर जाना है जहाँ पे जो खुद पॉटर्स है, बहुत एज ओल्ड पॉटर्स है, उनके पास जाना है। तो आपको आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। आज मेरे साथ कुछ नए स्टूडेंट्स थे जो आर्ट क्लब के मेंबर्स बन गए हैं, और इनको क्राफ्टिंग में बहुत मज़ा आता है और ये बहुत एक्साइटेड थे। अच्छी जगह है, मैं आऊँगी कभी, ठीक है? फिर आप मुझे घुमाना। आज हमारे साथ कुछ नए नए स्टूडेंट्स हैं। अक्सा हाय बोलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आने वाला है। और पीछे वो क्यूट सी स्टूडेंट बैठी है, हाय। इनका भी आज पहला वर्कशॉप स्कूल से बाहर है ना। मुझसे आप क्यों शर्मा रहे हो? आप तो इतना अच्छा बनाते हो क्राफ्ट। और एज ऑलवेज मैंने लुकमान को काम पे लगा दिया। वो स्केच बना रहा है। तो लास्ट टाइम जो लास्ट वाला व्लॉग था उसमें आपने देखा था, हम जब एक कॉम्पिटिशन के लिए गए थे तो लुकमान ने कितना अच्छा स्केच बनाया था। और इतने में ही बिस्मा मेरे पास आई। बिस्मा का ये लास्ट ईयर है स्कूल में, तो वो बहुत इमोशनल भी है और एक्साइटेड भी है जो भी आगे वर्कशॉप आने वाले हैं इस साल। और लुकमान एज ऑलवेज, अच्छे से मन से स्केच करो, ये ऐसे मत करो, स्केच मन से ही करते हो। मैं लुकमान को हमेशा लाइव स्केचिंग के लिए बोलती हूँ क्योंकि उसका प्रैक्टिस का जो रूटीन है वो इससे कंप्लीट हो जाता है, और उसको खुद को भी लगता है कि वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, तो उसको भी मज़ा आता है काम करने में, और हम ट्रैवलिंग में भी मज़ा ले रहे होते हैं। मैं आज स्टूडेंट्स को एक पॉटर के घर ले रही हूँ ताकि वो ये समझे कि पॉटरी कैसे की जाती है, पॉटरी कहाँ से आई, और कौन से लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के क्या चैलेंजेस हैं, उन लोगों ने अपनी लाइफ में इस क्राफ्ट को जो जगह दी है क्या वो ये वापस उन्हें दे पा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको सीखनी है क्योंकि ये हमें अपने रूट से मिलाता है। तो इस पॉटरी वर्कशॉप के लिए इससे बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती है, तो मैं उनको डायरेक्टली उनके वर्क प्लेस पर उनके घर ले कर गई। जितना आगे आगे हम ट्रैवल कर रहे थे लुकमान उतनी ही दिलचस्पी से शौकत भाई का स्केच बना रहा था, तो वो लाइव स्केचिंग कर रहा था। और इसका टैलेंट हमेशा मुझे अमेज़ करता है, ये कितना मेहनत करता है अपने टैलेंट को लेके और कितना अच्छा बनाया, आप रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं। लुकमान तो स्केचिंग कर रहा था, स्केचिंग पे फोकस था, लेकिन बस में बहुत कुछ हो रहा था। बिस्मा सबके फिंगरप्रिंट्स ले रही थी क्योंकि ये उसके आर्ट डिपार्टमेंट के बडीज़ है, तो जो भी आर्ट क्लब में है उन सब के वो फिंगरप्रिंट्स ले रही थी क्योंकि उसका लास्ट ईयर है स्कूल में, तो वो मेमोरीज क्रिएट कर रही थी। बिस्मा जो हमारी स्टूडेंट है आर्ट क्लब की, उसका इस साल फाइनल ईयर है, मुस्कान का भी फाइनल ईयर है बिकॉज वो दोनों टेंथ में है, तो उसने इतना स्वीट सा जेस्चर किया, सब जो भी स्टूडेंट्स हैं आर्ट क्लब के उनका वो फिंगरप्रिंट ले रही है, मेरा भी उसने लिया, बहुत बहुत स्वीट लगा मुझे। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे पॉटरी वर्कशॉप के लिए उनके घर। इस पॉटरी वर्कशॉप के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती है, ये इतना पीसफुल था। वो हमें अपने घर का सारा हिसाब किताब दिखा रहे थे, जहाँ भी वो पॉटरी बनाते हैं, जहाँ भी वो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उनको बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे पॉटरी के बारे में, जो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग एंड शेयर दिस व्लॉग। बाय।